आजकल देश के हर बैंक में भीड़ लगी है, काम बढ़ा हुआ है, लेकिन इन सबके बीच एक बैंक ऐसा भी है जहां रात के अंधेरे में जाम छलकते हैं, हंगामा होता है। जी हां, एक बार में जो होता है वो सब कुछ इस बैंक के अंदर चल रहा था। कमी थी तो बस डीजे की। गौर करने वाली बात यह है कि छलकते जाम के प्याले के साथ पद का फायदा मिट गया था। क्या कैशियर और क्या बैंक गार्ड, क्या सहायक और क्या एटीएम स्टाफ, सब हो गए थे एक गलत। और ये लोग क्या कर रहे थे, देखिए रिपोर्ट। पैसे के लिए जनता एक ओर जहां लाइन में लगी है, वहीं बैंक कर्मी भी जनता की समस्याओं को सुलझाने में व्यस्त हैं। लेकिन बिहार के मधुबनी के एक बैंक में कुछ और ही नजारा देखने को मिला। जिले के झंझारपुर आरएस थाना के यूनियन बैंक में जाम के प्याले छलक रहे थे, जमकर ठुमके लगाए जा रहे थे, बस कमी थी तो डीजे की। वरना बैंक की ये जगह पूरी तरह से बार के रंग में रंगी जा चुकी थी। बैंक कैशियर हो या फिर असिस्टेंट, या एटीएम स्टाफ हो या फिर बैंक गार्ड, शराब के जाम और नशे ने सभी फासले मिटा दिए थे। सभी शराब के नशे में झूम रहे थे। ये मामला रात करीब 10 बजे का है। बैंक में हो हल्ला होने पर स्थानीय लोगों को शक हुआ। लोगों ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। एसएसपी ने थाने को जांच के लिए बैंक भेजा। बैंक में चारों कर्मचारी शराब पीते रंगे हाथ पकड़े गए। मामले की जानकारी मिलते ही बैंक मैनेजर पुलिस से पहले ही बैंक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने बैंक को बार में बदले देखा तो उनके भी होश उड़ गए। लगभग 9:30-10 के आसपास मुझे अपने लैंडलॉर्ड का मैसेज मिला कि आपके जो है सो कुछ स्टाफ जो है सो यहाँ पे हो हल्ला कर रहे हैं, तो आप फौरन आ जाओ। मैं अपनी बैग लेके तुरंत ब्रांच यहाँ पे आया, देखा तो वो लोग आपस में हो हल्ला कर रहे थे। सही में मेरे आने के 5-10 मिनट बाद ही पुलिस आ गई और उन्होंने उन्हें अरेस्ट करके थाना लेके चले। पुलिस की गिरफ्त में आए बैंक कर्मियों का मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें सभी के शराब पीने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब बिहार में शराब बंद है तो फिर बैंक कर्मियों के पास शराब कहां से आई। पुलिस अब नए शराबबंदी कानून के तहत चारों बैंक कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। रात में सूचना मिली थी कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसमें उसी के जो कर्मी है वो अंदर में शराब पी के थोड़ा सा गाली गलौज कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तो उसी सूचना के आधार पर थाना वाले को निर्देशित किया गया था कि जाके देखे और कार्रवाई करें। तो जाके पाया गया कि वो शराब में नशे में थे, तो उनका रात में ही मेडिकल जांच भी कराया गया। मेडिकल जांच में भी डॉक्टर ने लिखा है कि वो नशे की हालत में है, तो उसी आधार पे जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनके तहत उनमें जो नया अपना कानून है प्रोहिबिशन का उसके तहत उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैंक कर्मियों की इस हरकत की चर्चा पूरे इलाके में है। नशा उतरने के बाद आरोपी बैंक कर्मियों को भी अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बिंदु भूषण ठाकुर, इंडिया 24/7, मधुबनी।